सो हे गाइज, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइज आर फाइन। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे धुआ के PTZ कैमरे को, और इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, और नाइट विजन क्लैरिटी क्या है और डे क्लैरिटी क्या है। सो गाइज, वी हैव अ नेटवर्क PTZ कैमरा, द कंपनी नेम इज़ धुआ, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है DHSD4922 5T और -HN, तो इसका मॉडल नंबर है। और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या इसमें मिलता है। सो गाइज, हेयर वी गेट आफ्टर अनबॉक्सिंग द PTZ डोम कैमरा, अ स्टिकर, देन वी हैव अ मैनुअल डाउनलोड्स, अ बारकोड, सेफ्टी हुक, एल्की, वेदर सील रबड़ एंड सम एल्की स्क्रू। सो गाइज, अभी हम अपनी साइट पर हैं जहाँ पर हमें इस PTZ डोम कैमरे को इंस्टॉल करना है। तो अभी हमने क्या किया है, एक वॉल माउंट, इस वॉल माउंट ब्रैकेट को हमने इस आयरन पीस के साथ अटैच किया है स्क्रू की हेल्प से, क्योंकि हमने जो ये इंस्टॉल करना है वो इस पोल पर इंस्टॉल करना है। ये देखिए कितना बड़ा पोल है, तो इसके ऊपर हम इस जो पार्ट रहेगा इसको हम इंस्टॉल करेंगे स्क्रू के हेल्प से। तो ये देखिए पूरी राइस मिल है ये जहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे इस कैमरे को। और इस डोम एक्चुअली इसमें क्या है, 25x जूम है, तो उसकी हेल्प से ये सारा हम पूरी इस फैक्ट्री को देख सकेंगे। तो इसी हिसाब से हमने इसको लगाया है और लगाने का सोचा है। तो फिलहाल हम इसको अटैच कर रहे हैं, अच्छे से टाइट कर रहे हैं ताकि ये ऊपर पोल पर इजीली लग सके, और इस वॉल माउंट ब्रैकेट के साथ हम इजीली अपना जो हमारा जो डोम कैमरा है PTZ डोम उसको हम अटैच कर सकें इसके साथ। अलग से बड़ी थी ज्यादा। सो गाइस, ये देखिए हमने यहाँ पर होल दिए गए हैं, और सेम साइज के होल हमने पोल पर दिए हुए हैं। अब ये हम ऊपर पोल पर जाकर इसको अटैच करेंगे और स्क्रू के साथ इसको प्रॉपरली टाइट कर देंगे। रस्सी बोल दे तो ना तो इसको। सो गाइज, अभी हमने देखिए हमने अपना डोम कैमरा इस जो वॉल माउंट एनक्लोजर है इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अभी हम सेफ्टी हुक लगा रहे हैं इसके साथ, ताकि जब भी हम किसी भी हालत में हमारा जो कैमरा है वो इस एनक्लोजर के साथ अगर बाई चांस डिटैच हो जाता है तो वो नीचे ना गिरे, वो इसी पर अटका रहे। तो इस वजह से हम इस सेफ्टी हुक को लगाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कैमरा बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाय चांस अगर किसी भी कारण से ये लूज़ होता है और गिरता है तो इसको बचाया जा सके। सो डैट्स वाई वी हैव अटैच दिस हुक टू दी डोम कैमरा। और अभी हम क्या करेंगे, देखिए सारे जितने भी हमारे एल्की स्क्रू है इसको टाइट करेंगे प्रॉपरली, और साथ में इस वेदर सील को अटैच करेंगे यहाँ पर बॉटम ऑफ द कैमरा, ताकि इस ये देखिए इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। सो गाइज, अभी हमने प्रॉपरली अपने वॉल माउंट ब्रैकेट के साथ इस कैमरे को अटैच कर दिया है एल्की स्क्रू के साथ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वेदर सील को अटैच कर रहे हैं ताकि किसी भी हालत में इसमें पानी ना जा सके और वाटर रेजिस्टेंस बन सके ये प्रॉपरली। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे हम इस आयरन पीस के साथ जो कि हमने डिज़ाइन करवाया है पोल के हिसाब से, और उसके बाद इसको पोल पर अटैच करेंगे। सो गाइज, मीनवाइल मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारे पास पावर जैक है जिसमें हम आप 12 वोल्ट इसको दे सकते हैं कैमरे को ऑन करने के लिए। साथ में इसकी अर्थिंग की वायर भी दी गई है। इसके अलावा ये लैन कनेक्टर है जिसमें आप लैन केबल अटैच करेंगे। आप इसके लैन केबल के थ्रू भी इसको Cat6 केबल के थ्रू भी इसको सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए ऑडियो
इनपुट का हमारे पास ऑप्शन है जो कि हम जिसके थ्रू हम ऑडियो इनपुट इसमें देंगे, और इसके अलावा हमारे पास RS485 या फिर कम्युनिकेशन के लिए, अलार्मिंग के लिए हमारे पास ये वायरिंग दी गई है। सो गाइज मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये कैमरा क्यों चुना। हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, हमारे पास हिकविजन का भी ऑप्शन था, हमारे पास CP प्लस का भी ऑप्शन था, लेकिन तब भी हमने इस कैमरे को चुना बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। हालांकि जो हम NVR यूज़ कर रहे हैं वो हम हिकविजन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमने इस धौआ के कैमरे को चुना। सबसे पहले तो जो इसकी SD49 सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग प्रोवाइड करती है आपकी इमेज में, और जो मॉनिटरिंग रेंज है वो भी काफ़ी शानदार है। और उसके बाद जो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080p है, और 50-60 फ्रेम्स पर ये काम करती है। ऑप्टिकल जूम इसका 25x है, और जो सबसे अच्छी बात है, जो खास बात है वो ये है कि ये स्टारलाइट टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, इसी वजह से इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है। तो स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी में ये जो इसकी इमेज है वो लेटेस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, जो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है वो सबसे लेटेस्ट है इसका। देन जो इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इसी वजह से ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी शानदार इमेज दे पाता है। उसके बाद H.265 का इसका वीडियो कंप्रेशन है वो सभी में होता है, इसमें कोई वो नहीं। आजकल जितने भी नए कैमरे आते हैं सब में H.265 का ही कंप्रेशन है, तो इससे क्या होता है हमारा बैकअप बढ़ जाता है, हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस रहती है, स्पेस रहता है, आप ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं। देन उसके बाद जो इसकी ऑप्टिकल जूम एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद इसका जो WDS फंक्शन है वो भी काफ़ी शानदार है, अगर आप एक विजन से कंपेयर करेंगे या किसी और से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है ये लो लाइट कंडीशन में और ब्राइट लाइट कंडीशन में दोनों में। उसके बाद इसके अलावा जो हमारे पास है, देन इसका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो -40°C to 70°C है, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जो इसकी प्रोटेक्शन है वो IP66 है, तो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है ये। देन जो इसकी IR LEDs है, इसमें 6 IR LEDs है, और जो इसका IR distance है वो 100 meter तक है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं जो हमें काफ़ी इंप्रेस करी और इसी वजह से हमने इस कैमरे को लिया। तो मैं आपको इसकी नाइट क्लैरिटी और डे क्लैरिटी तो आप देख ही रहे हैं, जूमिंग कैपेसिटी भी इसकी देख रहे हैं कितनी ईजिली जूम हो रहा है, और नाइट विज़न में भी दिखाएंगे कि आपको किस तरह की क्लैरिटी दे सकता है। सो गाइज हेयर इज़ द नाइट विज़न क्लैरिटी ऑफ दिस कैमरा, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है नाइट विज़न में। तो मैं ये आपका जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैं फ़ोन के थ्रू, और इस फ़ोन के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो टाइम है वो है 12 बजे का, तो ये 12 बजे रात की रिकॉर्डिंग है, और ये थोड़ा रुक रुक कर चल रही है बिकॉज ऑफ दी लो स्पीड ऑफ इंटरनेट, तो उसी वजह से थोड़ा रुक रुक कर चल रही है। बट आप क्लैरिटी देखिए इमेज की कितनी अच्छी क्लैरिटी है, और इसी वजह से हमें ये कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। तो ये देखिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से प्रॉपरली नज़र आएगी, तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं और आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये मैंने आप इसमें प्री सेट एंगल सेट किए हुए हैं सभी में, तो इसमें मैंने अराउंड 7 प्री सेट सेट किए हैं, और उसको देन इसका टूर सेटअप किया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसका टूर सेटअप करना है, कैसे आपने इसका प्री सेट की डिटेल डालनी है, देन कैसे इसको कन्फिगर करना है इस कैमरे को। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए मैं ऐप पर ले रहा हूँ इस सारे जितना भी हमारा ये मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ, ये मैं फ़ोन पर ऐप के थ्रू, हालांकि मैंने कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन ये बाद की मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ हिक कनेक्ट की एप्लीकेशन के अंदर से। तो हिक कनेक्ट में जो हमारा NVR था वो है हिकविज़न का, तो इसका ओन विफ के थ्रू हमने इसको धौआ के जो हमारा PTZ कैमरा है उसको हमने NVR में ऐड किया। तो ये देखिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाई हुई थी रात के 12 बजे की, तो ये देखिए मैं ऐप में चेंज करूँगा सबसे पहले, और आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इसमें और कैमरे इसमें देख सकते हैं A to Z। तो ये देखिए मैं ऐप में जा रहा हूँ, और इसमें मैं आपको फ़िलहाल लाइव व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए लाइव व्यू है। तो इसमें हमने टोटल 10 IP कैमरे हमने 4 megapixel के हिकविजन के इंस्टॉल किए हैं, और एक धौआ का PTZ डोम कैमरा इंस्टॉल किया है।
तो फिलहाल ये देखिए ये करंट टाइम है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये उस टाइम पे है। ये देखिए सारे के सारे आपको ये नाइट विज़न की ये क्लैरिटी इस टाइम पे देखने को मिलेगी। 6:25 हुए हैं और ये क्लैरिटी हमें इस PTZ डोम कैमरे की देखने को मिलती है। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी कैमरों की कैसी क्लैरिटी है वो। सो ये देखिए हमने बाकी कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं, तो टोटल यहाँ पर 10 IP कैमरे हैं हिकविजन के 4 मेगापिक्सल, जो कि NVR के साथ अटैच है, और एक धौआ का PTZ डोम कैमरा है जिसके बारे में मैंने आज आपसे बात की। तो ये देखिए इनकी क्लैरिटी है, ये गेट का व्यू है, तो ये सारा व्यू काफ़ी अच्छा है। और ये मैं आपको हिक कनेक्ट के एप्लीकेशन के थ्रू अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जितना भी मैंने आपको पूरा व्यू दिखा दिया PTZ डोम का कैसे इंस्टॉल होगा, सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर क्रिएशन रह गया है और जो मैंने प्रीसेट की सेटिंग की है, देन टूर की सेटिंग की है, तो वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।